Now I would like to request the chairman Blue World City, Mr. Saad Nazir Saab, to come over the dais and brief us about the project and plus the banner. Thank you. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आप तमाम अहबाब का तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जिन्होंने इस गर्मी की शिद्दत में हमारा साथ दिया और इस कसीर तादाद में जो हम आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप सब एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करें कि इतनी कसीर तादाद में आज यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की पब्लिक इकट्ठी हुई। उसके बाद हम अपने चीफ गेस्ट जनाब शाहिद अफरीदी साहब लेजेंडरी क्रिकेट स्टार उनको आप सबकी तरफ से खुशामदीद कहते हैं। हमारे इंशाल्लाह उनके मामलात आपस में चल रहे हैं, खुशखबरी आपको जल्द हम अनाउंस करेंगे। ही हैज़ कम फॉर दिस वेरी पर्पज़ टुडे हेयर। उनको आज ब्लू वर्ल्ड सिटी विज़िट करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी आँखों से देखा है ये सारा हाल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी की दलील है कि अर्तगल की तरह इन्हें भी सुबह से बहुत से फ़ोन आए हैं कि यहाँ तशरीफ ना लाएँ, लेकिन ये मर्द मुजाहिद यहाँ पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गिव देम अ बिग हैंड और आप सब इन्हें यकीन दिलाएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट आप सबको भी प्लॉट देगी और शायद अफरीदी साहब को हॉलीवुड ब्लॉक में हम चार किनाल का एक प्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे चाहे आए या ना आए। और शायद अफरीदी साहब के आने की खुशी में हम ये ऐलान करते हैं कि यहाँ पे चौधरी नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब ने खसूसी तौर पे ये रात हमने बैठ के सरफराज गुंदल साहब और तमाम मैनेजमेंट अरशद अवान साहब ने यह फैसला किया कि हम यहाँ पे इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम और उसका नाम हम शाहिद अफरीदी स्टेडियम रखेंगे। और इसके साथ साथ शाहिद भाई इंशाल्लाह अपनी सुपरविजन में यहाँ शाहिद अफरीदी क्रिकेट अकेडमी भी चलाएँगे इंशाल्लाह। शायद भाई सारी इनकम हम आपको ही देंगे इंशाल्लाह, आपकी फाउंडेशन को देंगे। उसके बाद मैं शेख आतिफ साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो एक बार फिर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, वो यहाँ गुफ्तगू करते हैं और हमने उनकी गुफ्तगू से मोहब्बत है। जिस मिशन के वो कैरियर हैं हम भी उसी मिशन के दावेदार हैं। और जनरल आरिफ बड़ाइत साहब ने अभी बड़ी तफसील से स्कूलों से शुरू होने वाली नशोनुमा जो मुसलमानों के करेक्टर में वाज़ेह तौर पर नज़र आनी चाहिए और वो नशोनुमा ऐसी जो कल को दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करे जो इंशाल्लाह खिलाफत की याद ताज़ा करे। तो इंशाल्लाह मैं शेख आतिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बाद शायद अफरीदी साहब पहले बैलेट फरमाएंगे, उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल आरिफ बड़ाइत साहब, शेख आतिफ साहब, मेरे वालिद साहब चौधरी नज़ीर अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो आएंगे यहाँ पे बैलेट करेंगे। और उसके बाद मैं शेख आतिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी गुफ्तगू सुन के जाइएगा। वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी तो बन गया, इसकी टेंशन ना लें। किसी को टेंशन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बनने की? क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी बन गया है? इस ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है ये तब तक तकमील तक नहीं पहुंचती जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम बावाज़े बुलंद ना लें। तो मेरे साथ नारे का जवाब दीजिएगा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। और मैं आप सबको ये बता दूं कि जिस वक्त मुझे अल्लाह पाक ने पिछले चंद दिनों में, वैसे तो पिछले साल दो साल से हम बाहर नहीं जा सके जब से ये प्रोजेक्ट और कोविड चल रहा है, तो जब मैं वहाँ पे जाने का मौका मिला तो अपने लास्ट उम्र पे खाना काबा पे हाथ रख के मैंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक हमारे कारोबार को, इस प्रोजेक्ट को इस मुल्क में नफाज़े इस्लाम की बुनियाद बना दे। तो इंशाल्लाह हमारा कमाया हुआ एक एक पैसा, हमारा खून का आखिरी खतरा दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए हाजिर है। और मैं समझता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ इस मिशन में शरीक हैं। क्या आप लोग शरीक हैं? इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह शेख आतिफ साहब इसके बाद फरमाएंगे। अभी मैं दावत दूंगा जनाब शायद अफरीदी साहब को कि वो आए और बैलेट करें जिसके लिए आप सब बेताब हैं। बैलेट के बाद इंशाल्लाह जी आपके बैलेट रिजल्ट्स वेब पर आपको मौजूद होंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और वो आपको हाजिर होंगे। नदीम साहब आ जाए, जनरल आरिफ बड़ाइत साहब, नईम साहब, अरशद अवान साहब, सरफराज गोंदल साहब, शेख आतिफ साहब आप भी आ जाइए प्लीज़।
खातिब सर, जलसा में इधर आओ सर, इधर हैं वो, आ जाओ बॉस, वो नहीं उन देर हो गई दोबारा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आप सब लोगों को, यहाँ पे काफी सारे मुझे हमारे पठान कम्युनिटी वाले नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, कौन कितने है? डेरा डेरा मेरा बनी ख्वाशोल उसे को चेतासो रोक ले दिलता। हमारे मुल्तान सुल्तान वाले किधर हैं? मुल्तान सुल्तान वाले भी यहाँ पे मौजूद है, उनको भी देख के खुशी हुई है। इंशाल्लाह जिस तरह साद भाई ने कहा यहाँ पे कि क्रिकेट के हवाले से, एकेडमी के हवाले से इंशाल्लाह अगर बनेगी तो इंशाल्लाह मैं खुद आऊँगा और खुद क्रिकेट एकेडमी को यहाँ पे चलाएंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू।